Hello and welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day one of answer writing series. We are starting for mains 2021, and from today onwards we will be taking a daily discussion on these answer writing sessions. So, today's session that is on pharmaceutical space, because pharmaceutical space is, very much news due to COVID-19 and also due to the other ailments which are coming in the news. So, we will target the pharmaceutical industry and we will see how एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे बोथ फ्रॉम पेपर वन एंड पेपर थ्री क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पेपर वन का टॉपिक भी है और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पेपर थ्री के टॉपिक के अंदर भी फार्मास्यूटिकल स्पेस या फार्मास्यूटिकल सेक्टर डिस्कस किया जा सकता है सो लेट्सटार्ट इफ यू टॉक अबाउट टूडेज डे वन इफ योर फाइंडिंग एनी डिफ़िकल्टीज एंड इश्यूज यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस सो द क्वेश्चन विच वी कैन थिंक ऑन द फार्मास्यूटिकल स्पेस ठीक है द फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इंडस्ट्री जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो ये हो सकते हैं कि आइदर इट कैन बी वाई इज़ इंडिया अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स वॉट आर द चैलेंजेस बींग फेस बाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन इंडिया एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ठीक है इट कैन भी अराउंड टेन मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स में भी आ सकता है एक क्वेश्चन ही बन सकता है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया तो ये प्योरली क्या है जी एस वन का जोग्राफी का टॉपिक बन के आ सकता है अब पहला क्वेश्चन क्या है जी एस थ्री इकोनॉमी का पोर्शन बन के आ सकता है मैं फिर टॉक अबाउट एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एसेस करो प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स जो हैं किसके इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड नाइन्टीन पैंडमिक ठीक है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया उसको क्या प्रॉब्लम्स मिली और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसको हो सकते हैं या क्या फ्यूचर पोटेंशियल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उसको आप एसेस करो एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हाउ एवर द इंडियन फार्मा सेक्टर फेसिस मैनी इशूज दैट इट नीड्स टू रेक्टिफाई कमेंट ठीक है तो ये सारे एक्सपेक्टेड लाइन्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है फॉर मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसलिए मैंने आज इसको फर्स्ट डे पे लिया है तो हम इसमें से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे दैट विल तो बी आवर फर्स्ट तो नंबर क्वेश्चन एंड यू विल ट्राई टू राइट द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क एनी थिंग रिलेटेड टू दीज टू थ्री एंड फोर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन आई विल भी रिप्लाइंग देम तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो द क्वेश्चन इज सेंग वाई दिस इज़ द क्वेश्चन टैग वन ठीक है क्वेश्चन टैग वन वाई इज़ इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स वॉट दिस इज क्वेश्चन टैग टू वॉट आर द चैलेंजेस बींग फेस्ड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन इंडिया ठीक तो है तो बेसिक सा क्वेश्चन है बट इसका कंटेंट क्या लिखोगे वो मैटर करेगा कि कैसे मार्क्स मिलते हैं अब इसका मार्किंग देखें इस क्वेश्चन की तो इट कैन कम एज फिफ्टीन मार्क्स ठीक है एंड विच मीन्स रफली यूर बी गेटिंग थ्री पेजेस बाय यू पी एस सी टू राइट ठीक है एंड यू विल भी टेकिंग अराउंड रफली नाइन टू टेन मिनट्स टू राइट फेयर आंसर ठीक है अब बात करते हैं जो हमारा पहले पैटर्न था उसी तरीके से वी विल स्टार्टिंग राइटिंग एन आंसर कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने वैसे बहुत पुराने वीडियोस के अंदर समझा रखा है कि इंट्रोडक्शन दो तरीके से लिख सकते हैं दैट इज़ वॉट एंड अनादर वन इज़ वाई तो वॉट के अंदर क्या है कि हम इंफॉमेशन वाला इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि वॉट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन उससे दे सकते हैं रिलेटेड उस पर्टिकुलर टॉपिक से जिससे क्या है कि इंट्रोडक्शन जस्टिफाई हो जाए वाई के अंदर हम कंटेक्सट देते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहा ठीक है करंट अफेयर का कोई कंटेक्स दे सकते हैं पर क्योंकि करंट अफेयर कंटेक्स इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूंगा बिकॉज देर आर सीरियस कॉन्ट्रोवर्सीज एंड कंसर्नस रिगार्डिंग इन वन फार्मास्यूटिकल सिचुएशन राइट नाउ ड्यू टू कोविड ठीक है कोविड के चक्कर में कोई भी करंट अफेयर का कंटेक्स दे के और अप्रिशिएट करना फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम विल ट्राई टू गिव अ वॉट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो बेटर रहेगा तो वी विल बी टुडे स्टार्टिंग विद द व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन अब व्हाट के अंदर आप सिंपली लिख सकते हो कि इंडिया जो है इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड पहला कर सकते हो कि इंडिया इज कॉल्ड फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज रैंक्ड थ्री और रैंक थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री माई वॉल्यूम दे फोर इट एंजॉयज दे फोर इट एनजॉयज एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द गोबल फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप ठीक है तो आप ये थ्री फोर लाइन्स के अंदर अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हो दैट इंडिया इज कॉ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बाई वॉल्यूम एंड दे फॉर इट एन्जॉयज एन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप विच कैन बी सीन एज या फिर सिर्फ एज करके यू कैन कम ऑन द बॉडी अब बॉडी के अंदर दो क्वेश्चन थे तो दो पार्ट्स होंगे तो बॉडी के अंदर दो पार्ट होंगे तो पहले पार्ट वन को स्पेसिफिकली लिख लेंगे कि वाई इज़ इंडिया अ लीडिंग मैनुफेक्चर ठीक है फार्मास्यूटिकल्स और सेकेंड हम लिख लेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस के साथ और वी विल ट्राई टू तो गिव बोथ दीज पार्ट्स इक्वल वेटेज रफली इक्वल वेटेज दे सकते हैं क्योंकि वाई के अंदर थोड़ा सा रीजन ज़्यादा दे, दे देंगे और वॉट के अंदर क्या है कि हम कुछ रीजन को कम देंगे मगर एक्सप्लेशंस विल बी नीडेड और फिर थर्ड पार्ट हम कंक्लूजन में देखेंगे अब आते हैं बॉडी के अंदर तो पार्ट वन आपको बॉडी नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर ठीक है आप जस्ट पार्ट वन भी नहीं लिखना है आपको जस्ट का एक हेडिंग देनी है कि वाई अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ठीक है या कुछ भी दे सकते हैं कि कॉजेज़ फॉर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ़ फार्मास्यूटिकल्स ठीक है तो आप अपना पहला हेडिंग ही दे सकते हैं उसके बाद सब हेडिंग्स देंगे आप तो फर्स्ट सब हेडिंग्स क्या होती हैं लार्जेस्ट जेनर जेनरिक ड्रग्स मैनुफैक्चर तो हमें पता है कि इंडिया क्या है कि लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैनुफैक्चरर है ठीक है इसके रीजन्स क्या हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है जेनरिक ड्रग्स क्या है लो प्राइस ड्रग्स होते हैं ये ठीक है इनकी क्या होती है एफिकेसी क्या होती है हाई एफिकेसी होती है एफिकेसी या इफेक्टिवनेस ठीक है और इनकी जो इफेक्टिवनेस है एफिकेसी क्या है दे आर एक्चुअली एट पार विद द ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स ठीक है दोनों के आसपास ही क्या है कि इसकी एफिकेसी होती है देर फोर इट हैज़ हैविंग ह्यूज ह्यूज डिमांड इन अंडर डेवलप कंट्रीज एंड ऑल्सो इन डेवलपिंग कंट्रीज ठीक तो है तो दोनों जगह बहुत ज़्यादा डिमांड है ठीक है तो स्पेसिफिकली अगर आप कुछ देखोगे तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या है कि देयर आर जेनरिक मेडिसिन डिमांड ऑफ हंड्रेड परसेंट इज बीन फुलफिल्ड बाई इंडिया ओनली ठीक है तो यू कैन कोट मेनी कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका ठीक है जहाँ पर क्या है कि जेनरिक ड्रग इज़ इन ह्यूज डिमांड ठीक है और यू कैन से दैट देर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ लाइक सन फार्मा कुछ इंडस्ट्रीज के नाम भी दे सकते हो लाइक सिपला लाइक पिरामल एंटरप्राइजेस ठीक है आर एक्चुअली द पायनियर ऑफ दिस जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड ठीक है तो जेने लार्जेस्ट जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है इंडिया ड्यू टू तो दीज रीजंस फिर सेकंड बात कर सकते हैं क्यों लीडिंग मैनुफैक्चर फार्मास्यूटिकल्स का ठीक है क्यों थर्ड लार्जेस्ट है बाई वॉल्यूम हम उसको बता सकते हैं कि बिकॉज एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है इंडिया किसको वर्ल्ड को ठीक है अब इसके अंदर सिंपल सी बात कर सकते हैं कि इंडिया यू कैन कोट सम स्टेटिस्टिक्स कि इंडिया सप्लाइज ओवर फिफ्टी ऑफ ग्लोबल डिमांड ऑफ वैक्सीन्स ठीक है ग्लोबल डिमांड ऑफ वैक्सीन्स का 50% परसेंट क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यह फुलफिल करता है 40% परसेंट जेनरिक डिमांड है किसकी यूएस की उसको फुलफ़िल करता है कौन इंडिया और उसके बाद अगर हम बोले तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओवरऑल मेडिसिन डिमांड ऑफ यू के फुलफिल करता है कौन इंडिया तो ये स्टेटिस्टिक्स आपको नहीं पता मगर आज पता लग गया तो यू कैन रिमेंबर फ्यू स्टेटिस्टिक्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मीन्स तो कुछ स्टैटिक्स याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड करता है एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड क्यों कर पा रहा है बिकॉज वी हैव गुड या हाई क्वालिटी मैन पावर हाई क्वालिटी मैन पावर है एंड दिस मैन पावर इज इक्वली चीप एज वेल एट द सेम टाइम ठीक है तो इट इज लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मैन पावर है हमारे पास इंडिया के पास दूसरा अगर मान लो ये क्वेश्चन क्या है कि जोग्राफिकल पेपर वन जीएस में आता तो एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड करने के अंदर क्या है हम यहाँ पर इस वाली पॉइंट के अंदर अपार्ट फ्रॉम दी स्टैटिस्टिक्स इन स्टैटिस्टिक्स के साथ हम यहाँ पर इंडिया का मैप बना सकते थे ठीक है इंडिया का मैप बना देंगे यहाँ पे ठीक है और उसके बाद उसके बाद हम यहाँ से शो कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट सूटिकल क्लस्टर्स हैं इंडिया में वो क्या है वेस्टर्न साइड में लोकेटेड हैं और दे आर एक्टिंग एज अ एक्सपोर्ट गेट वेज़ टू द वर्ल्ड ठीक है कैसे एक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट गेट वेज ठीक है तो हम वहाँ पर उसको वैसे शो कर सकते हैं अब बात करते हैं जो और रीजनस हैं ठीक है देर इज़ अ फेवरेबल पेटेंट पॉलिसी या रिजीम ठीक है देर इज़ अ फेवरेब पेटेंट पॉलिसी और रिजीम इन द कंट्री ठीक है तो अगर हम बात करें जो पेटेंट्स एक्ट है नाइनटीन सेवेंटी का और जो ड्रग पॉलिसी है इंडिया की ठीक है इज़ फेवरिंग द लोकल मैन्युफैक्चरर्स और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है दीज बोथ आर फेवरेबल फ्लेक्सिबल एंड अजाइल ठीक है एंड एज रिजल्ट ऑफ विच इज रिजल्टेड इन ह्यूज एक्सपांशन रिजल्टेड इन ह्यूज एक्सपांशन ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ठीक है तो वी हैव अ फेवरेबल पेटेंट्स एक्ट ठीक है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने, ने क्या है कि इट हैज़ रिलैक्स नॉर्म्स ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट और जो सब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हो वहाँ पर आप उसको लिख सकते हो ठीक है देन कम टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ठीक है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की स्पेसिफिकली अगर आपको देना है तो गवर्नमेंट हैज़ अलाउड मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ एफ डी आई ठीक है दैट इज़ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है इज अलाउड इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर ठीक है अब एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट हेल्प्स इन वॉट इट हेल्प्स द लोकल बिजनेस मैं या डोमेस्टिक बिजनेस मैन जो हैं टू सेटअप टू सेटअप वॉट न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनीज ठीक है बाय कोलाबरेटिंग विद द फॉरन प्लेयर्स ठीक है कोलेबरेटिंग विद द फॉरन प्लेयर्स हु कैन कम टू इंडिया बाय टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन सेवेंटी परसेंट इन ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट ठीक है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या है कि फेवरेबल कर रही हैं और अगर हम बात करें तो देर वॉज अ ग्लोबलाइजेशन पुश पुश इन द सेंस की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ ठीक है पोस्ट 1991, ठीक है दैट हैज अलाउड इंडिया फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द वर्ल्ड ठीक है तो इंडिया यूजुअली क्या है सेमी फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स क्या है वर्ल्ड को बेचता है एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल ठीक है स्पेशली टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से क्या है दर इज इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल सेटअप विच केम विद द ग्लोबलाइजेशन पुश तो ये सारे रीजनस है कि बाय इंडिया इज हैविंग अ ग्रेटर रोल और ग्रेटर प्ले इन द फार्मास्यूटिकल स्पेस बट देर आर सर्टिन चैलेंजेस ऑल्सो और चैलेंजेस को भी डिस्कस करना है तो so, चैलेंजेस के लिए वॉट वी कैन डू इज वी कैन अगेन द पार्ट सेकेंड और पार्ट सेकेंड में क्या है कि यूजली फोर्टी परसेंट के अराउंड यू विल भी गिविंग द वेटेज बिकॉज यहां पर वॉट है ठीक है और पहला क्वेश्चन क्या था टैक क्या था वाई था तो वाई में थोड़ा सा एक्सप्लेसन ज्यादा होगा और वॉट वाले में थोड़ा एक्सप्लेन कम होगा बट क्योंकि चैलेंजेस पूछें तो सिर्फ मैंशन नहीं कर सकते हैं हल्का हल्का सा एक्सप्लेन देना भी जरूरी रहेगा तो पार्ट टू में हम हैडिंग दे देंगे एसोसिएटेड चैलेंजेस ठीक है फर्स्ट चैलेंज जो है दैट इज ह्यूज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ठीक है ह्यूज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी किस चलेंजन में है कि अगर हम बात करें यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या केस स्टडी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस वाले को ठीक है मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंड्रीडियंट ठीक है एपीआई और इसको क्या बोलते हैं बल्क ड्रग्स भी बोलते हैं ठीक है आर बीन इंपोर्टेड एज रॉ मटीरियल्स बाय इंडिया और ये कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम चाइना ठीक है तो 60 परसेंट ए या बल्क ड्रग्स जो कि रॉ मटेरियल के अंदर यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम उसको कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं चाइना से और अगर हम बात करें इंडियन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरर्स की बात करें या एंटीबायोटिक जो कंपनियाँ बनाती हैं उसकी बात करें तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है तो मोर देन नाइन्टी ऑफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स इन दीज एंटीबायोटिक कंपनीज इज़ फुलफिल्ड बाय चाइना ठीक है तो एपीआई में 60 परसेंट एंटीबायोक्स में 90 परसेंट कौन फुलफिल कर रहा है चाइना एज अ रिजल्ट अगर मान लेते हैं इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाई चेन डिसरप्शंस ठीक है अगर मान लो सप्लाई चेन डिसरप्शंस होती हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन जो कि अभी कोविड के टाइम पे हुई थी ठीक है जैसे कि जो वहाँ का हुबई प्रोविंस है चाइना का जो हुबई प्रोविंस है दैट इज़ कॉल्ड एज द एपीआई हब ऑफ द वर्ल्ड ठीक है एपीआई हब ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं जिसको किसको हुबई प्रोविंस को और जहाँ पर क्या है कि रिसेंट फर्स्ट आउटब्रेक देखा गया था वुहान और हुबई प्रोविंस के अंदर जो फर्स्ट आउटब्रेक देखा गया था कोविड का तो उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउंस लगे और लॉकडाउंस लगे तो यहाँ पर क्या हुआ सप्लाई चेन रिसप्शंस हुए तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अंदर वी सी अ मार्जिनल चेंज वी सी नॉट अ मार्जिनल बट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द प्राइस हाइक ठीक है प्राइस हाइक हुआ और अगर आप देखोगे तो पैरासिटामोल ठीक है विच रिक्वायर्स दीज ए पी आई इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड उनकी प्राइस क्या है टू हंड्रेड परसेंट पर के जी वॉल्यूम से बढ़ गई थी ठीक है तो यू कैन गिव दिस केस स्टडी दट इज़ ह्यूज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी विच इज डिस्ट्रप्टिंग द सप्लाई चेन इन केस ऑफ चाइना इन द रिसेंट लॉकडाउन ऑन द ग्लोबल लेवल ठीक है दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट इफेक्ट हॉलोइंग आउट इफेक्ट अभी हॉलिंग आउट इफेक्ट बहुत अच्छा है हम इसको दूसरी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं हमारे इकनॉमी के आंसर्स लिखते वक्त तो हॉलिंग आउट इफेक्ट होता क्या है हॉलिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या है कि देर इज़ डिक्रीजिंग और डिटोरिएशन डिटोरिएशन ऑफ कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक है जो कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वीक हो रहा है उसकी क्वालिटी में या फिर उसकी क्वान्टिटी में डिटोरिएशन आ रहा है डिके आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है होलिंग आउट का मतलब तो ये होता है पर ऐसा होता क्यों है इस, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वैन प्रोड्यूसर्स जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं कंपनीज़ हैं जो कि दवाइयाँ बनाती हैं ठीक है वॉट दे आर डूइंग इज़ दे आर मूविंग आउट दे आर मूविंग आउट मैन्युफैक्चरिंग वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं ठीक है थीके? उनको मूव आउट कर देते हैं कहाँ टू लो कॉस्ट फैसिलिटीज़ टू लो कॉस्ट फैसिलिटीज ठीक है तो आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स को क्या है कि मान लो कोई मेडिसिन बनानी है दिस इज़ आउट प्रोडक्ट और उनके लिए उनको ये एक ए चाहिए तो इस ए की एज अ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है वो दूसरी कंट्रीज़ को शिफ्ट कर देते हैं ठीक है क्यों शिफ़्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या लो कॉस्ट फैसिलिटीज़ है ठीक है तो एग्जांपल देखें तो चाइना जो है वो एपीआई जो बनाता है ठीक है दोज़ एपीआई पी फोर्टी टाइम्स चीपर होते हैं फोटी टाइम्स या फोर्टी परसेंटेज से चीपर होते हैं देन द इंडियन ए अगर इंडियंस भी वही ए पी तो फोटी परसेंटेज टाइम्स मोर क्या है महंगे पड़ेंगे किसको इंडियन प्रोड्यूसर्स को तो इंडियन प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं जो ए का जो रॉ मटेरियल का जो सारा टेंडर है वो कहाँ कर देते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करवाते हैं देव फोर क्या है चाइना डेवलप्ड एज अ ए पी हब ऑफ द वर्ल्ड तो हॉलिंग आउट इफेक्ट क्या है कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं कंट्री के वो मैन्यूफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पर टू द ग्लोबल लेवल या कहीं और बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट फैसिलिटीज़ ठीक है फॉर टेकिंग द कॉस्ट एडवांटेज अगर हम बात करें स्प्यूरियस मेडिसिनस की बात तो देर आर मोर नंबर ऑफ़ फ़ेक वर्जन्स आर कमिंग ठीक है क्योंकि क्या है पेटेंट पॉलिसी और ड्रग पॉलिसी क्या है कि इंडिया की बहुत लैक्स है बहुत ही वीक है देर क्या है कि बहुत सारे फेक वर्जन्स ऑफ मेडिसिन आर कमिंग इन द मार्केट ठीक हो तो ये क्या है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनकी ब्रांड इमेज को भी क्या कर देता है डाउन कर देता है इन द ग्लोबल मार्केट एंड इट मेक्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एंड कंज्यूमर ठीक है तो एंड कंज्यूमर पे क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे एंड कंज्यूमर पे ठीक है ये चीज भी हम बता सकते हैं फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस कैपिंग की तो देर इज ऑलवेज अ प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस एन ठीक है रिगार्डिंग मेकिंग द मेडिसिन ठीक है वॉट अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू द मासिस एज अ रिजल्ट क्या होता है जो कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है कहाँ ग्लोबल मार्केट में ठीक है वो क्या हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती हैं ठीक है तो प्राइस कैपिंग क्या है बिकॉज देर इज़ ह्यूज प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दैट द मेडिसिन शुड बी अफोर्डेबल एंड शुड भी अवेलेबल टू द मासेज एंड देरफो उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज़ कम हो जाती है एंड देरफर दे बिकम वीक इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट एज़ कम्पेयर टू चाइना यू एस एंड यूरोप फिर क्वालिटी कंसर्स है हमें पता है ये डब्ल्यू टी ओ के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी आर ऑलवेज बीन स्क्रूटनाइज फॉर आवर सेनेटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स ठीक है तो इसके चक्कर में क्या है कि देर इज अज क्वालिटी कंसर्न रेगुलेशन एंड इशू इन द ग्लोबल सीनैरियो तो उसके चक्कर में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया जो है इंडिया फेस्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ़ यू एस एफ डी ए इंस्पेक्शंस ठीक है सिंस 2009 और ड्यू टू दीज क्वालिटी रेगुलेशंस जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जैसे जो भी यूएस की ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है तो क्वालिटी कंसर्न्स की वजह से क्या है कि उसको उसके लाइसेंसिंग को उसके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को क्या है कि डिले करते जाते हैं देर फोर क्या है कि कॉस्ट और सब कुछ क्या है कि बढ़ जाता है फॉर द कंपनीज़ ठीक है और फिर लास्ट में अगर लिखना हो तो यू कैन ऑल्सो राइट कि देर इज़ ऑलवेज अ लो बजटरी अलाउंस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल आस्पेक्ट ठीक है तो वो लास्ट में लिखो अब कुछ बच्चे क्या है कि पहले लिख देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ठीक है बहुत जेनरिक पॉइंट है हर बार लास्ट में हर क्वेश्चन के साथ आ सकता है बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रू फॉर इंडिया कि हमारे यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ ऑन द लोअर मार्जिन अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन के अंदर क्या है कि हम बता सकते हैं कि चाइना का जो मॉडल है ठीक है उसको हम क्या है कि फॉलो कर सकते हैं तो चाइना के मॉडल के अंदर उन्होंने क्या क्या किया था उन्होंने क्या किया था लो कॉस्ट यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी मैन्युफैक्चरिंग को ठीक है उनको क्या है कि लो टैक्स बर्डन दिया था या फिर हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग टैक्स हॉलीडेज दिए थे ठीक है तो वैसे ही सेंस के अंदर क्या है कि जो इंडिया के अंदर हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था किसका फार्मा एसीजेड्स ठीक है उनको क्या है कि रिवैंप कर सकते हैं ठीक है देन देर इज नीड टू इंक्रीजिंग बजटरी अलाउंस बजटरी अलाउंस प्रोवाइड करो ठीक है फिर फार्मा एसीजेड्स के अंदर आपको पता ही है यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास देयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल ठीक है और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया फिर हमारे पास क्या है कि फास्टर क्लियरेंसेस पे काम कर सकते हैं ठीक है फास्टर क्लियरेंसेस फॉर प्रोजेक्ट्स हु हैव डन देयर प्रॉपर ई आई ए दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेंसर जिस इसका सही से हो रखा है जेनुन है वहां पर क्या है कि फास्टर क्लियरेंसेज दें ठीक है तो ऑल दीज थिंग्स लाइक इंसेंटिवाइजिंग ऑन टैक्स बेसिस सब्सिडाइज करना ठीक है स्पेसिफिकली यहां पर हम बता सकते हैं आफ्टर कोविड की यू नीड टू सब्सिडाइज एंड इंसेंटिवाइज वॉट द ए पी आई मैन्युफैक्चरर्स ठीक है तो इसलिए क्या है कि ए पी आई मैनुफैक्चरर्स लाइक दिवीज़ लैब जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था दी वीज लैब उसको क्या है कि गवर्नमेंट दस एक्चुअली पुशिंग दोज लोकल फॉर वोकल कॉम्पेन के अंदर क्या है कि उसको पुश कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्मास्यूटिकल स्पेस जो हमने आज स्टडी किया है ठीक है इस पर कुछ स्पेसिफिक थीम्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं बट ओवरऑल आपको पोटेंशियल पता लग गया चैलेंजेस पता लग गया कि जोग्राफी के अंदर आता है तो उसके अंदर मैप बना के हम शो कर सकते हैं कि कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और कैसे वहाँ इंडस्ट्रीज़ का लोकलाइजेशन हुआ ठीक है तो वो जोग्राफी के लिए अलग हो जाएगा वो आपने स्टैटिक में पढ़ रखा है कि वट आर द रीजन्स फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तो वहाँ से यू कैन स्टडी कोविड नाइन्टीन का इम्पैक्ट चाइना के रेस्पेक्ट में हमने डील कर लिया कि कैसे ए पी आई मार्केट के अंदर हमें अभी डिपेंडेंसी और सप्लाई डिसप्शन को देखना पड़ा था ठीक है तो दीज आर ऑल द क्वेश्चन एंड प्रोबेबल कंटेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच वी हैव कवर्ड इन दिस टूडेज वीडियो तो अब ऐसे ही क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स वी विल भी कवरिंग इन द सब्सिक्वेंट वीडियो सो स्टे ट्यून्ड And let us know ki, what you think about the video. Give it a like and comment what all you are facing the challenges. So, thank you and have a nice day.